बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नियाज़ बाबर। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख, जिस शख्सियत के गिर्द घूमती है और जिनके अदालती कत्ल को 45 साल के बाद में बिलाखिर अदालतों ने भी तस्लीम किया है। वो शख्सियत है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की, जिन्हें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कहा जाता है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लाहौर से मुमताज़ सहाफ़ी, कई अखबारात के कौमी सतह के अखबारात के मुदीर रहे, जनाब अदिल मिर्ज़ा साहब। जी मिर्ज़ा साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए बालू साहब, ठीक हैं आप? जी एहसान है मालिक के। सर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान की सियासत जिसके गिर घूमती है, पाकिस्तान बनने के बाद, कायद आज़म के बाद, वो वाहिद रहनुमा, वो वाहिद सियासी शख्सियत कि जिसने अवामी सियासत की बुनियाद रखी, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप भुट्टो साहब की शख्सियत के बारे में? मैं समझता हूँ जनाब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, कायद आज़म के बाद वाहिद लीडर, उससे पहले ना पाकिस्तान में कोई लीडर आया और ना ही शायद आएगा, ओनली एंड वन। भुट्टो साहब की जो तख्तदार पे उनको एक डिक्टेटर ने चढ़ाया, उस वक्त ये सुनने में आती हैं बातें और तारीख का हिस्सा बन गई हैं चीज़ें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरियत के लिए बहुत सी इस्लामी रियासतों ने जो है वो अप्रोच किया था, मगर ज़ियाउल हक़ ने किसी एक की भी नहीं मानी। इस हवाले से तारीख के क्या औराक हैं जो आपकी नज़र से गुजरे हैं? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। उस वक्त क्योंकि मेरा ख्याल है फैसला पहले हो चुका था, ये तय हो चुका था कि फांसी होनी है, और शायद ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को भी ये इल्म हो चुका था कि मुझे फांसी होनी है। शायद इसी वजह से जब उन्हें पैगाम दिया गया कि अगर आप अपील करें या माफ़ी मांग लें तो कोई रास्ता निकल सकता है, तो भुट्टो ने ऐसे नफी में सारी ला दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्हें पता था कि मेरे खिलाफ फैसला हो चुका है और फैसला वही होना है। जैसा कि आपने कहा है, बहुत से इस्लामी मालिक, लीबिया, सऊदी अरब, बहुत से दोस्त मालिक थे जिनकी कोशिश थी, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये आलमे इस्लाम का लीडर है, यह दुनिया का लीडर है। यही वजह है कि उन्होंने इसकी बचाने की अक्तर मकदूर कोशिश की, लेकिन फैसला शायद कहीं और हो चुका था। अब आकर अदालतों ने अपनी वो जो गलती थी, आज से जैसे कि आपने कहा 40-45 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी, आज उसका अदाला करने की नाकाम कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त बहुत बीत चुका है। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवामी लीडर कहा जाता है, पहले मुंतखब वो वज़ीर आज़म भी थे पाकिस्तान के, अवामी शऊर, जो अवाम में सियासत का जो शऊर उजागर किया, जो गरीब को, इस पाकिस्तान के गरीब को उन्होंने जो हक दिया इस पाकिस्तान की मिल्कियत का, इस हवाले से मैं आपके ज़रिए ख्याल सुनना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, ये हमारी अवाम, हम बहसियत पाकिस्तानी, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को जमहूरियत की पटड़ी पर चढ़ाया। जमहूरियत अगर पाकिस्तान में सही मानों में मुतारक करवाई, वो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने एक तो ये जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, गरीब का नारा दिया, और आज भी गरीब भुट्टो शहीद को क्यों कहता है कि भुट्टो जिंदा है? जब तक भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा, जब तक ये रोटी कपड़ा मकान और गरीब जिंदा रहेगा पाकिस्तान में, जब तक ये गुर्बत का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान में, भुट्टो जिंदा रहेगा। अब मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान में पहली बार एक मुत्तफ़िका आइन पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मुमलिकत को, इस पाकिस्तान को दिया उन्होंने भुट्टो साहब के कारनामों में से अवलीन जो कहेंगे कि उन्होंने आइन दिया। अच्छा, फिर उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान जो आज एटमी ताकत कहलाता है, इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप जानते हैं कि उनको वो लेके आए थे और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी पाकिस्तान में एटम बम की, जो आज हम ताकत से जो है अपने आप को इस्लामी रियासतों में नंबर वन पर समझते हैं कि जी हम एटमी ताकत हैं, तो इसकी बुनियाद भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने रखी थी। तो इन हवालों से जो है भुट्टो साहब के किरदार पर जरा रोशनी डालिए। देखें, पाकिस्तान में आज तक जितने मेजर प्रोजेक्ट हुए, जितने मेगा प्रोजेक्ट हुए, अगर उन मेगा प्रोजेक्ट में भुट्टो का नाम निकाल दिया जाए, भुट्टो के मेगा प्रोजेक्ट निकाल दिए जाए, तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं बचता। पहली बात, हम पाकिस्तानियों को जो शनाख्त दी है वो भुट्टो ने दी है, यानी शनाख्ती कार्ड। दूसरी जो बात आपने की, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद किसने रखी? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उसके बाद टेक्सला मिल्स
उसके बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये आइन सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान को 1973 का जो आइन दिया वो दिया भुट्टो ने। इसके अलावा बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, चाइना से दोस्ती भी भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुई। बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। ये जो एक उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान बहुत गरीब था, मैं चलते चलते आपको ना जनाब भुट्टो शहीद का एक छोटा सा वाकया बयान करता चलूं। यहाँ पे भुट्टो के फ्रांस के दौरे पे जो उस वक्त वहाँ पे सदर थे, वहाँ पे सदारती माल में इनकी मीटिंग हो रही है, वहाँ पे लाइट चली गई, लाइट चली गई, दो मिनट के बाद लाइट आ गई, इनकी मीटिंग चल गई। अब मीटिंग जब खत्म हुई तो भुट्टो ने जो पहला जो सदर थे फ्रांस के उनसे सवाल किया कि ये क्या किया आपने, ये जो लाइट गई थी और फौरन लाइट आ कैसे गई। उन्हें कहा कि हमारे पास एक जनरेटर है, लाइट अगर चली जाती है तो हम मुतबादल हमारे पास इंतज़ाम है, हम उस जनरेटर से काम चलवा लेते हैं। कहते यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब भुट्टो अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आने लगे तो आपको पता है कि ये जो आर्मी रहनुमा है कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जनरेटर जो है इनका जो ईवान सदर है, प्रेसिडेंट हाउस है, आपको पता पहले प्रेसिडेंट थे जी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, तो इनके जो ईवान सदर है वहाँ पर ये जनरेटर जाकर लगा दिया जाए। तो भुट्टो ने कहा जनाब अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये जनरेटर आप अपने पास रख लें, हमारे पास तो बिजली ही नहीं है, हमें कोई ऐसा निज़ाम दे दें कि हम मैं अपने गरीब लोगों को बिजली दे सकूं। तो भुट्टो ने अपने वाने सदर के लिए जनरेटर लेने के बजाय वहां से बिजली के प्लांट लाए थे, जिसके बाद पहली दफा पाकिस्तान में बल्ब जला था। मेरे साहब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की सियासत जो है, हर सियासतदान वो यही कोशिश करता है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का भुट्टो बन जाए। अभी भी एक साहब जो हैं कैदी 804 वो इसी कोशिश में है कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाए। लेकिन जैसा आपने पहले खुद भी कहा कि भुट्टो एक ही था, ना उससे पहले कोई भुट्टो हुआ ना उसके बाद कोई भुट्टो होगा। तो आज जो पाकिस्तान में जमहूरियत फल फूल रही है इसमें यकीनन रूह भुट्टो सरगर्म अमल है, क्या समझते हैं आप? देखिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भुट्टो एक ही था, भुट्टो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं आएगा। जो बंदा भुट्टो की नकल करेगा, एक होता है हीरो एक होता है जीरो, जो भुट्टो की नकल करेगा वो जीरो हो जाएगा। जनाब मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए आज जो सदारती पैगाम उनके दामाद आसिफ अली जरदारी की जानिब से जारी किया गया है उसकी चंद लाइनें जो कि बर मौका बर महल हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपके हुजूर कि एक डिक्टेटर ने आज से 45 साल कबल एक अवामी कायद को, कायद अवाम को शहीद अवाम बनाकर तख्ताए दार पर चढ़ाकर पाकिस्तान की तरक्की की तेज़ रफ्तार ट्रेन को पटरी से डीरेल किया था। इसके साथ साथ मुल्क के महकूम अवाम को भुट्टो साहब का तोहफा क्या है, उन्होंने महकूम अवाम को, गरीब पाकिस्तानी को, एक गरीब पाकिस्तानी को सोचने का शऊर बख्शा, बोलने को सुभान दी और सर फख्र से उठाकर चलने का ढंग सिखाया। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक, अल्लाह हाफिज़।